कंगना और आलिया की कंट्रोवर्सी में अब पूजा भट्ट ने मारी एंट्री। क्या आलिया को सपोर्ट करने वाले रणदीप हुड्डा पर पूजा भट्ट ने साधा निशाना? आखिर पूजा भट्ट ने इनडायरेक्टली रणदीप को क्यों लिया निशाने पर? कंगना रनौत और उनकी सिस्टर लगातार आलिया भट्ट और उनकी फैमिली पर निशाना साध रही हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब कंगना ने उनकी फिल्म मणिकर्णिका को सपोर्ट न करने पर आलिया पर निशाना साधा था। इसके बाद एक कदम आगे जाते हुए कुछ इंटरव्यूज में आलिया को कंगना ने करण जौहर की पपेट तक बता दिया। वहीं रिसेंटली कंगना ने फिल्म गली बॉय में आलिया की परफॉर्मेंस को अपेरेंटली मीडियोकर तक कह दिया। इतना ही नहीं, कंगना की सिस्टर रंगोली और आलिया की मॉम सोनी राजदान भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से उलझ गईं, जहां सोनी ने ट्वीट करते हुए कंगना पर उन्हें बॉलीवुड में फिल्म गैंगस्टर से लॉन्च करने वाले महेश भट्ट और उनकी फैमिली के लिए अनग्रेटफुल होने का इल्जाम लगाया, तो वहीं रंगोली ने पलटवार करते हुए ये खुलासा किया कि महेश भट्ट ने फिल्म वो लम्हे की स्क्रीनिंग के दौरान गुस्से में कंगना पर शू तक फेंक दिया था। हालांकि बाद में सोनी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जहां सोशल मीडिया पर रंगोली और सोनी राजदान के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रणदीप हुड्डा ने अपनी हाईवे को स्टार आलिया को सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, डियरेस्ट आलिया, आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट लेटिंग द ओपिनियंस ऑफ वेरी ओकेजनल एक्टर्स एंड क्रॉनिक विक्टिम्स अफेक्ट यू एंड योर वर्क। कूडोस टू यू फॉर योर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू आउटडू योरसेल्फ। इसके बाद तो जैसे रंगोली आग बबूला हो गई और उन्होंने रणदीप को निशाने पर लेते हुए कर दिए कई ट्वीट्स और उनके करियर को बता दिया परमानेंट फेलियर। लेकिन लगता है ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि आलिया भट्ट की सिस्टर पूजा भट्ट ने रणदीप पर इनडायरेक्ट जाइब लेते हुए एक ट्वीट करते हुए लिखा, एंड देन दी हाइनास कम आउट टू ऑफर सॉलेस डिस्गाइज्ड इन द गार्ब ऑफ कोस्टार्स and supposed friends. What drives them, I wonder? Inherent self-loathing or guilt at their own compulsive capacity to indulge in loose talk? Either way, forgive them, Lord, for they know not what they say. अब लोगों की समझ नहीं आ रहा है कि भला आलिया को सपोर्ट करने वाले रणदीप पर पूजा भट्ट ने ये इनडायरेक्ट निशाना क्यों साधा है। Well, अब पूजा भट्ट के इस ट्वीट के बाद लगता है ये कंट्रोवर्सी जल्द ठंडी होने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि रणदीप पूजा के इस ट्वीट का कैसे रिप्लाई देते हैं।